नमस्कार दोस्तों, इस नई जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस भर्ती 2021 का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल फ्री में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप सबके लिए यह वीडियो खास होने वाली है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, एक एक डिटेल में आपको बारीकी से वह भी हिंदी में जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, कितने पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सभी डिटेल में आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं कि यह फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है। दोस्तों, इसका जो अप्लाई स्टार्ट डेट है, आप इसमें 9 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से अप्लाई करना है घर बैठे बिल्कुल फ्री में, हमें कमेंट करें, मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो आपको 18 बरस से 25 बरस एज होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या आपको 242 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन आपके पास मैट्रिक के साथ आप जो भी ट्रेड में अप्लाई करते हैं उसमें आईटीआई होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फिटर के लिए आपको 80 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 80 पोस्ट है, वेल्डर के लिए आपको 40 पोस्ट है, आपको मैकेनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है, वही दोस्तों मैकेनिकल के लिए आपको 5 पोस्ट है, आपको मैकेनिकल डीजल के लिए 12 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट है और प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट रखा गया है। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपको इसमें जो भी आप आईटीआई के सर्टिफिकेट देते हैं उसी के मार्क्स के आधार पर, आपको मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपना फाइल से अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से जाकर अपना फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जॉब अपडेट के लिए आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सभी जानकारी जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।